दोस्तों आज एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ जो 1998 या 2000 के बीच की है। ये सच्ची कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसकी उम्र महज 14 या 15 साल है, जिसे गाने सुनने का बड़ा शौक था, जिसके चलते उसने जिद कर करके अपने पापा से एक म्यूजिक सिस्टम अपने घर बुलवा लिया, जिसे उस समय छोटे शहरों में डेक कहा जाता था, जिसमें सिस्टम के साथ दो बड़े बॉक्स आते थे। लड़का रोज घंटों गाने सुनता और गुनगुनाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद म्यूजिक सिस्टम खराब होने लगा। वो उसे सुधरवाने जाता दुकान पर तो वहाँ से एक या दो दिन में दुकानदार सुधार कर देता था। वो इससे परेशान हो गया क्योंकि उस सिस्टम में दो खराबी बार बार होती थी, या तो सिस्टम का बेल्ट उतर जाता था या फिर कैसेट की रील फंस जाती थी। तब उसने निर्णय लिया कि बेल्ट चढ़ाना और कैसेट की रील निकालना मैं खुद सीखूंगा। उसने अपने परिचित की दुकान पर सीखने जाना भी शुरू कर दिया। एक दिन गया, कुछ घंटे काम सीखा, लोगों को लगा ऐसे ही आया होगा, लेकिन जब दूसरे दिन भी नजर आया वही लड़का, तब लोगों से रहा नहीं गया, वे सीधे उसके पापा के पास पहुंच गए और कह दिया कि क्या पढ़ने की उम्र में बच्चे को ये फालतू काम सिखा रहे हो, जबकि आपको पता है उन दिनों गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, स्कूल बंद थे। लड़के के पापा ने भी लोगों की बातें सुन लड़के का दुकान पर जाना बंद करवा दिया कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा छोटा काम करेगा हमारा लड़का। वहीं लड़के को जब दुकान पर नहीं जाने दिया गया तो वो दिन भर टीवी देखने लगा, वीडियो गेम खेलने लगा और फिर कुछ और करने लगा, लेकिन जो वो उन छुट्टियों में सीख सकता था वो नहीं सीख पाया। उन लोगों की वजह से जो काम को छोटा या बड़ा समझते हैं और बिना सोचे समझे सलाह देने पहुंच जाते हैं। ऐसे ही वर्तमान में कई सलाहकार आपके आसपास भी होंगे जो आप किसी भी काम की शुरुआत करेंगे तो उसके बारे में आपसे आपके परिजनों से बात करेंगे, तो केवल उसकी जो उस बिजनेस में सफल नहीं हो पाया है, ना कि उसके बारे में जो सफल हो गए हैं। इसलिए कभी भी जीवन में सफल होना है तो केवल बच्चों को ही नहीं उनके परिजनों को भी लोगों की बातें सुनना बंद करना होगा, क्योंकि लोग केवल देखकर बोलते हैं, कार्य करने वाले के इरादे जानकर नहीं।